दोस्तों आप सबको स्वागत है हमारे एमएम एक्सक्लूसिव चैनल पर। दोस्तों आप सबको पता है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, फुल वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले आपको गूगल पे जाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो साइट है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे incometax.gov.in ये साइट पे आपको क्लिक करना है। तो ये ऐसा एक पेज आएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस का आपको क्लिक करना है। तो जिन लोगों का ऑलरेडी पे किया हुआ है तो दोस्तों वहाँ पे जो लोग 1000 रुपया ऑलरेडी पे कर दिया है लिंक करने के लिए, तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम डायरेक्टली आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पैन कार्ड और यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ मैंने फिलअप कर दिया। यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा मैसेज दिख रहा है कि आधार पैन लिंकिंग फेल्ड ड्यू टू नेम मिसमैच। किसी किसी का है कि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। तो दोस्तों अगर डेट ऑफ बर्थ या फिर नेम अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड में अलग रहेगा तो ऐसा मैसेज आपको आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, आपको फिर से दोबारा कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे NSDL एक साइड है, यहाँ से चाहे तो आप पैन कार्ड को भी करेक्शन कर सकते हैं, या फिर देखिए नीचे UIDAI ऑप्शन है, वहाँ पे आप आधार कार्ड का कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल आपको एक बार दिखा देता हूँ NSDL का जो साइड है वहाँ से पैन कार्ड को कैसे आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आपका अगर UIDAI का आईडी है तो वहाँ से भी आप करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको करेक्शन और चेंज ऑप्शन में क्लिक करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिंपल सा आपका जो नाम चेंज करना चाहते हैं, जो करेक्शन करना चाहते हैं, जो गलत है वो ठीक करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सही से बैठाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी ऑप्शन है, ईमेल आईडी फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे यस करना पड़ेगा, इंडिया का है तो ये यस कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका फिर से दिया हुआ है जो कि है पैन नंबर, तो आपको ये पैन नंबर पे आपको क्लिक करके फिर से पैन नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों चलिए इसको थोड़ा सा पेज को नीचे करते हैं, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिलअप करना है, उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से भी आप करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो UTI साइट से भी आप करेक्शन करने के बाद फिर से वो पेज पे आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे एक पेज मिलेगा, नेक्स्ट में आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए ऐसा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइएगा। इसके बाद दोस्तों ऐसा एक पेज मिलेगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नाम फिलअप करना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आप कितना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो यहाँ पे टू डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका उसका प्लेस है, प्लेस देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे उसका जो डेट है डेट फिलअप करना पड़ेगा, तो इसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। ऐसे दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा छोटा मोटा, ये आपको नॉर्मली फिलअप कर लेना है, ये मैं थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में जा करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से भी आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पेटीएम का ऑप्शन QR कोड दिया हुआ है, पेटीएम का यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं किसी भी UPI से। इसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ये आपका चेंज हो जाएगा, या फिर UIDAI से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों देखिए कैसे करना पड़ेगा। देखिए अगर आधार का कुछ करेक्शन रहेगा तो यहाँ पे लॉगिन आपको करना है, वो पेज पे क्लिक करने से डायरेक्ट ये वाला पेज आएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे उसका जो आधार कार्ड है वो एंटर करना पड़ेगा, कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, एक OTP आएगा फोन में, यहाँ पे आपको OTP देना है, इसके बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए उसका जो साइट है ये खुल जाएगा, यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए नेम चेंज ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि उसका जो आधार कार्ड है यहाँ पे शो करेगा,
क्या गलत है क्या ठीक है वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, पॉसिबल टू अपडेट आधार पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नेम को चेंज करना है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे न्यू नेम पे आपको जो सही नेम है वो डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं चेंज करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया। इसके बाद दोस्तों आपको जो पैन कार्ड को स्कैन करके एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से बैक पेज पे आ जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों देखिए, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आप पैन UTI या फिर NSDL दोनों साइड से भी आप कर सकते हैं करने के बाद, या फिर आप अगर आपको आधार का कुछ प्रॉब्लम है तो आधार साइड से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैंने एक डॉक्यूमेंट जो कि ऐसा हुआ था वो ठीक करने के बाद, मैंने एक हफ्ता के बाद वो करेक्शन हो गया। होने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक बार पैन और आधार में क्लिक करता हूँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों लिंक आधार पर फिर से मैंने क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे सेकंड टाइम कोई भी पेमेंट करने के लिए नहीं बोला। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली आएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए क्लिक करने के बाद क्या आता है, तो चलिए दिखा देते हैं। देखिए क्लिक किया यहाँ पे, देखिए दोस्तों ऐसे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिख रहा है पैन और आधार ये दोनों दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज नीचे दिया हुआ है, नेम एस पर आधार, मतलब आधार पे उसका जो नाम है वो सही सही यहाँ पे बिठाना है। तो चलिए जो नेम यहाँ पे है वो सही मैं यहाँ पे बिठा दिया हूँ। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मैं मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोस्तों नीचे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है आई एग्री, तो इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर वाला में कुछ नहीं करना है। अगर किसी का आधार कार्ड में सिर्फ ईयर दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ पूरा फुल नहीं है, सिर्फ साल दिया हुआ है, तो वहाँ पे एग्री करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो इसके बाद चलिए दोस्तों मैं लिंक आधार पे क्लिक करता हूँ, और देखिए दोस्तों एक OTP आ गया है। तो OTP फिलअप करने के बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्टली वैलिडेट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए ये वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, और देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि ये लिंक हो गया है। ये देखिए ऐसे एक मैसेज आएगा। तो आई होप कि दोस्तों अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आप लोग चाहे तो आधार कार्ड को करेक्शन कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड को करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा पार्ट टू पार्ट क्लियर दिखाने वाला हूँ कि कैसे पैन कार्ड को करेक्शन कर सकते हैं, कैसे आधार कार्ड को आप करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।